Today, good morning my dear student. Today my topic is rate change of quantity. तो कल आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव में ही अब आगे नेक्स्ट क्लास चलती है. तो कल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या पढ़ा था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये क्या होता था, एक बार रिवीजन करा देते हैं. डीवाई अपॉन डीएक्स होता था. स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये क्या होता था, इसी को आप क्या बोल देते थे, एम. और इस ये क्या होता था कि माइनस के वन अपॉन डीवाई अपॉन डीएक्स, या इसी को माइनस के वन अपॉन एम. ये क्या होता था, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल. इसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में क्या होता था कि वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन. ठीक है, यहां पर एम कहां से पुट कर दोगे, यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट. यहीं से आप देखोगे तो इक्वेशन ऑफ किसकी, नॉर्मल, तो ये क्या होता था बताओ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता था कि वाई माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस के वन अपॉन एम एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू एक्स माइनस माइनस वन अपॉन एम एक्स माइनस एक्स वन. इसको क्या बोल देते थे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इसके बाद आता था इंटरसेक्शन एंगल ऑफ कर्व. इंटरसेक्शन एंगल ऑफ कर्व के लिए क्या फॉर्मूला लिखाया था मैंने, टेन थीटा इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू. इसको क्या बोल देते थे, इंटरसेक्शन एंगल ऑफ कर्व बोलते थे. इसको क्या बोलते, इंटरसेक्शन एंगल ऑफ कर्व. अब आगे चलते हैं. आगे क्या है कि रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी. एक क्वांटिटी में की रेट चेंज होने के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी में क्या इफेक्ट पड़ता है, वो होता है क्या रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी. एक क्वांटिटी में चेंज कर देते हैं तो उसी के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी में क्या चेंज होता है. जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि एक कोई सर्कल है. अगर मैं इसकी रेडियस को किसी भी रेट से इंक्रीज करता हूं, या डिक्रीज करता हूं, मतलब चेंज करता हूं, तो अगर मान लो तो इस पे किस किस पे इफेक्ट पड़ेगा. एक तो इसकी सर्कमफेरेंस क्या होगी, चेंज होगी. अगर मान लो मैं रेडियस आर को किसी भी रेट से चेंज करता हूं, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से, ठीक है, इस रेडियस को मैं क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ किसी भी रेट से, या तो वो डिक्रीज कर सकता हूँ या फिर मैं इंक्रीज कर सकता हूँ. ठीक है, तो मैं डिक्रीज और इंक्रीज करूंगा तो उसके इफेक्ट से क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा. एक तो इसकी क्या होगी, सर्कमफेरेंस कम होगी, अगर मान लो डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सर्कमफेरेंस भी डिक्रीज हो जाएगी. अगर इंक्रीज करेंगे रेडियस को तो ये क्या हो जाएगी, सर्कमफेरेंस भी इंक्रीज हो जाएगी. दूसरी चीज और क्या होगा इंक्रीज और डिक्रीज, एक इसका एरिया चेंज होगा. एक क्या चेंज होगा, एरिया भी चेंज होगा. अगर मान लो मैं इसको बढ़ा दूंगा इसके रेडियस को, तो रेडियस बढ़ा दूंगा तो इसका एरिया भी तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. और अगर मान लो मैं रेडियस को कम कर दूंगा, मतलब डिक्रीज कर दूंगा, तो इसका रेडियस वो भी एरिया भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो इसके बाद तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा. इसी तरीके से मान लो अपने पास कोई स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है. अगर मैं मान लो इसकी एक साइड को इंक्रीज करता हूँ, जैसे मान लो मैंने साइड मान ली एक्स, तो इसको किसी भी रेट से चेंज करता हूँ सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से, ठीक है, इसको मान लिया मैंने पी सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से चेंज करता हूँ.
इसको चेंज करने से वही इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा इसकी, क्या होगी पैरामीटर चेंज होगी, पैरामीटर भी चेंज हो जाएगा और इसका एरिया भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, एक क्वांटिटी में मैं चेंज कर रहा हूँ, क्वांटिटी में किसमें चेंज कर रहा हूँ, इसके साइड में, एक साइड साइड में चेंज कर रहा हूँ। तो साइड में चेंज करने से क्या हो रहा है, इसमें एरिया में भी इफेक्ट आ रहा है और किसमें इफेक्ट आ रहा है, वो सॉरी इसके सर्किम्फेरेंस, वो सब पेरीमीटर में भी चेंज आ रहा है, पेरीमीटर में भी चेंज आ रहा है और सर्किम्फेरेंस में भी चेंज आ रहा है, ठीक है, एरिया में भी चेंज हो रहा है, एरिया में भी चेंज हो रहा है। इसी तरीके से आप कुछ भी ले सकते हैं, कौन ले लो, ठीक है कौन ले लिया, अगर मैं इसकी रेडियस को कम करूंगा तो ये इसका भी क्या होगा, एरिया कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक क्वांटिटी को अपन चेंज कर रहे हैं, उसी के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, दूसरी क्वांटिटी भी चेंज हो रही है, तो उसी को क्या बोल देते हैं आप, रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या हो रही है, रेट चेंज हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से अब एक क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग if the side of square is increasing of the rate of the rate, किस रेट से चेंज हो रहा है, सपोज दैट 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्या साइड, उसकी साइड चेंज हो रही है, देन फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ योर ऑफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, देन फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर की क्या, पेरीमीटर की रेट क्या चेंज हो रही है, वो क्या इसकी स्क्वायर की पेरीमीटर किस रेट से चेंज हो रही है, वो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है। सपोज दैट स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड बराबर होती है, स्क्वायर क्या होता है, चारों साइड बराबर होते हैं। सपोज दैट थोड़े टाइम के लिए ये किसकी है, एक्स की है, ये किसकी है, एक्स की है, ये किसकी है, एक्स की, ये किसकी है, एक्स की है, चारों किसकी है, क्योंकि चारों साइड बराबर होंगे, तो ये क्या है, एक्स सेंटीमीटर, एक्स सेंटीमीटर, एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। तो थोड़ी देर के पेरीमीटर क्या हो जाएगी, 4 इंटू साइड 4x, पेरीमीटर क्या हो गई, पेरीमीटर क्या हो गई, पी बराबर 4 इंटू साइड, पी बराबर 4 इंटू साइड, या इसी को आप ऐसे बोल लो, x प्लस x प्लस x प्लस x, इसी को क्या बोल देते हैं, 4x बोल देते हैं, क्योंकि चारों साइड है क्या है, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, पेरीमीटर आपकी क्या हो गई, p। अब इस पेरीमीटर में किस तरीके से रेट चेंज हो रही है, वही आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू किसके करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, टी के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, क्यों करना है, क्योंकि देखो ये किसके चेंज में चेंज हो रही है, सेकंड, सेकंड मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन ये क्या हो जाएगा, डीपी अपॉन डीटी इक्वल टू 4 क्या है, कॉन्स्टेंट, और एक्स का क्या हो जाएगा, डीएक्स अपॉन डीटी, डीएक्स अपॉन डीटी, ठीक है। यही क्या कहलाती है, साइड में रेट चेंज, ठीक है। तो अपन को फाइंड आउट करना है ये, अब इसकी वैल्यू कहां से लेके आओगे, ये दे रखी है, क्योंकि यही तो कह रहा है कि साइड में क्या हो रही है, साइड साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग ऑफ द रेट 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 8 सेंटीमीटर जो आपको dx अपॉन
डीटी दे रखा है वो कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की। और डीएक्स अपॉन डीटी के यहाँ पर क्या रख दोगे, तो डीपी अपॉन डीटी बराबर 4 × 8 बराबर कितना आ गया 32। ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट। तो ये कितना चेंज होगा पेरीमीटर में, कितना चेंज होगा 32 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से क्या होगा पेरीमीटर चेंज होगा। अगर मैं सपोज देट यहीं पर क्या बोल देता, अभी तो इसने किस में बोला है पेरीमीटर में चेंज बोला है, पेरीमीटर में चेंज के लिए बोला है। अगर मैं बोलता कि इस उसमें एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा, एरिया की रेट क्या होगी, तो एरिया क्या होता है ए बराबर क्या होता है, क्या होता है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, भुजा स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर क्या होता है भुजा स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे किसके रेस्पेक्ट, हाँ जी, तो अपन कहां थे कि अगर मान लो साइड में चेंज हो रहा था कितने 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से, तो देन एरिया में क्या चेंज होगा, एरिया में क्या चेंज होगा, तो एरिया बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा क्या है आपकी साइड क्या है साइड स्क्वायर, तो साइड क्या है यहाँ पर एक्स है तो एक्स स्क्वायर था। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी, और इसका क्या हो जाएगा 2x डी एक्स अपॉन डी टी। सपोज दैट x की वैल्यू दे रखी है आपको, सपोज दैट x बराबर आपको निकालना है 2 पर, x बराबर किस पर निकालना है आपको 2 पर, आपके पास तीनों वैल्यू दे रखी है तो रख दो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या दे रखी है 2, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है आपके पास 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से, यही तो क्या हो रही थी रेट इंक्रीज हो रही थी। तो जब एरिया में क्या रेट चेंज हो जाएगा तो ये इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसको क्या बोलते हैं आप 32 डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू क्या है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस रेट से क्या होगा एरिया इंक्रीज होगा। अगर मान लो आप इसकी साइड को इस रेट से इंक्रीज करते हो, मतलब 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से इंक्रीज करते हो, देन एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की रेट से एरिया इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल, इफ द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग रेट ऑफ 0.8 सेंटीमीटर पर सेकंड, देन फाइंड द रेट चेंज इन सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्किल एट आर इक्वल टू 4। मतलब आपको एरिया सर्कल के एरिया में किस रेट से चेंज होगा और उसकी सर्कमफेरेंस किस रेट से इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, मतलब किस रेट से इंक्रीज वो होगा चेंज होगा, वही आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो पहले तो ये बताओ ये क्या है आपके पास सर्कल और ये क्या है आपके पास रेडियस, ठीक है। ये रेडियस आपको किस रेट से इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या दे रखी है dr अपॉन dt क्या दे रखी है 0.8 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से, तो 0.8 सेंटीमीटर पर सेकंड, 0.8 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या क्या दे रखा है आपके पास dr अपॉन dt। अब आपको बताओ किसमें चेंजिंग निकालना है, एक तो सर्कमफेरेंस में निकालना है और आपको एक किस में निकालना है एरिया। तो पहले ये बताओ सर्कमफेरेंस क्या होती है, सर्कमफेरेंस सी बराबर क्या मान लिया मैंने 2πr, सर्कमफेरेंस क्या होती है 2πr। अब इसका किसके रेस्पेक्ट में चेंज कर दोगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी टाइम के रेस्पेक्ट, क्योंकि ये किसके चेंज किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, जो रेडियस है वो रेडियस किसके किसके रेट के किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो ये अपना अपन डिफरेंशिएशन भी किसके रेस्पेक्ट में करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर मान लो ये किसी टी वो किसी और चीज के रेस्पेक्ट में चेंज होता तो उसी के रेस्पेक्ट में अपन क्या करते थे इसका डिफरेंशिएशन करते, बट अब ये किसके चेंज हो रहा है
जब भी आपने देखा होगा तो किसी में चेंजिंग आता है तो वो किसके रेस्पेक्ट में आता है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंजिंग आता है। तो इसी तरीके से यहां पर भी क्या है, किसके रेस्पेक्ट में दे रखा है, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डीसी अपॉन टीटी इक्वल टू टू कॉन्स्टेंट पाई कॉन्स्टेंट आर। आर का क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी। आर का क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी। अब आपको आर की वैल्यू दे रखी है, वो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.8 सेंटीमीटर। तो 0.8 सेंटीमीटर रख दो तो डी सी अपॉन डी टी बराबर 2 पाई मल्टीप्लाई कितना, 0.8। और ये इससे क्या हो जाएगा, 1.6 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से क्या होगा, कौन चेंज होगा, सर्कमफेरेंस चेंज होगी। कौन चेंज होगा, सर्कमफेरेंस, उसकी सर्कल की क्या होगा, चेंज होगा, सर्कमफेरेंस चेंज होगी किस रेट से, 0.1.6 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। इसी तरीके से अब क्या देखना है, आप उनको एरिया देखना है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया बराबर क्या होता है, सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब एरिया भी किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे आप, टी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आपको टी के रेस्पेक्ट में दे रखा है। तो एरिया का डिफरेंशिएट कर दो तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 आर डी आर अपॉन डी टी। 2 आर पहले एक्स की पावर एन का करो, फिर एन के बाद करने पर एक्स का करोगे, यहां पर क्या हो जाएगा, 2 आर डी आर अपॉन डी टी। अब यहां पर देखो पाई रहने तो 2 आर, आर की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, देखो आर बराबर कितने पे, 4 सेंटीमीटर, तो 4 रख दिया। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.8 सेंटीमीटर, तो 0.8 सेंटीमीटर रख दिया। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, पाई ये कितना हो जाएगा, 8, और ये कितना है, 0.8, इसका मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 64, 6.4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की रेट से किसमें चेंज होगा, इसके एरिया में चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, एरिया में चेंज हो जाएगा, सर्कल के एरिया में चेंज हो जाएगा। इस रेट से किसमें चेंज हो जाएगा, सर्कल के एरिया में चेंज हो जाएगा। इसी को आप क्या बोल देते हो, आप रेट चेंज इन एरिया, एरिया की रेट क्या है, किस तरीके रेट से चेंज हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, रेट चेंज इन। इस तरीके से क्या करते हैं अपन, रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी पढ़ते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं अपन, रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी। एक क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी के में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहां पर देखो क्या अपना बढ़ रहा था, या इसी को मैं कम करने के लिए बोल देता हूं, वैसे मान लो बोल देता कि यहां पर के डिक्रीजिंग 0.8 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से, तब यहां पर क्या आ जाता, ये -0.8 आ जाता, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। ये किस रेट से डिक्रीज हो जाते, 6.4 पाई की रेट से क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाता, फिर क्या हो जाता, माइनस में आ जाता है। जब माइनस में आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब प्लस में आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, अपन निकालते हैं रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी। इसी तरीके से कॉन के क्वेश्चन होते हैं, इसी तरीके से बैलून का क्वेश्चन है। जैसे मान लो बैलून है, तो बैलून में से मान लो एक किस इस रेट से हवा निकल रही है, तो अब उसके वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो क्या निकाल सकते हैं, रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अगर मान लो वो कोई कॉन है, तो कॉन में से मान लो उसकी रेडियस को चेंज कर रहे हैं, तो उसके वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उस तरीके से क्या करना है आपको, उस तरीके से निकालना है। इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी। थैंक यू, अब आगे नेक्स्ट लेक्चर।